हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों मैं आज हूँ ये लोटस के प्रोजेक्ट पे हूँ। लोटस का नाम आपने सुना होगा, ओरो सिटी के बिल्कुल बगल में पड़ता है, जानकीपुरम में है ये, मौर्या भट्टा चौराहे के पास में पड़ता है। और बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं ये सब मकान बन रहे हैं, यहाँ पे रो हाउसेस बन रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है यहाँ पे। 40 फीट का सीसी रोड है, फिर 25 फीट के रोड है, कहीं पे 40 फीट के रोड है, तो डेवलपमेंट हो रहा है, मकान बन रहे हैं। जो लोग बुक करना चाहे यहाँ पे एक बार आकर के देख सकते हैं, जो लोग मकान सर्च कर रहे हैं। और बहुत ही शानदार सोसाइटी बन रही है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बैक साइड में आप देखेंगे दोस्तों कि पीछे जो आपको मकान हाउसेज दिख रहे हैं वो सारे ओरो सिटी वाले हाउसेज हैं, जो रो हाउसेज हैं बैक साइड में। बाकी यहाँ पे ये लोटस का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अगर आप लोग यहाँ पे बुक करना चाहें तो दोस्तों देख सकते हैं बैक साइड में मेरे। और ये 25 फीट का सीसी रोड है, फिर ये वॉल है सेफरेट, इसके पीछे फिर जो आपका है कम से कम 40 फीट का रोड दिया गया है। तो रोडों की कोई दिक्कत नहीं है, लो डेंसिटी के हाउसेज बन रहे हैं यहाँ पर, और प्लान बहुत अच्छा है, ठीक है। और बहुत सेलेक्टेड यूनिट है, ज़्यादा मकान नहीं है। तो जो लोग एक अच्छी सोसाइटी में रहना चाहते हैं, मैन जानकीपुरम में लगेगा दोस्तों, लखनऊ नगर निगम है, आप लोग प्लान कर सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो में बना देता हूँ, कोई क्वारी हो तो आप लोग फ़ोन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। हाय दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल को और दबाइए इस घंटे को, लाइक एंड शेयर कीजिए, शुक्रिया। दोस्तों मैं मकान दिखा देता हूँ, अभी जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है सामने देखिए, 25 फीट का रोड है ये, सीसी रोड है, और सीवर लाइन आई हुई है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये सीवर लाइन हो गई। सामने देखेंगे तो ये मकान है, 20x56 का है, 1120 के करीब करीब इसका लैंड एरिया है, ठीक है, सिंप्लेक्स रहेगा दोस्तों। ये देखिए लंबी कार पार्किंग हो जाएगी, 20 फीट की लेंथ है इसकी, वहाँ से यहाँ तक 20 फीट की लेंथ है, एक ये लॉन हो जाएगा। और ये देखिए सेफ्टी टैंक बने हुए, आरसीसी के रहते हैं ये, इसकी डेप्थ देख लीजिए, डबल है ये, देखिए अंदर तक देख रहे हैं आप, डबल रहता है ये सिंगल वाला है, कम से कम 15-20 साल तो बोलना नहीं पड़ेगा। ये आपका ड्राइंग रूम हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये ड्राइंग रूम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप आ जाएंगे तो ये आपका एक आगे का है जो डाइनिंग एरिया रहेगा, और सामने की तरफ जो है आपका मॉड्यूलर किचन हो जाएगा। डाइनिंग स्पेस काफ़ी अच्छा दिया गया है यहाँ पे, और इस मकान में फॉल सीलिंग भी रहेगी पूरे में। ये देखिए किचन एरिया हो जाएगा आपका, सामने की तरफ देखेंगे तो एक रूम ये हो जाएगा, एक रूम यहाँ से एंट्री है अंदर। और ये देखिए कॉमन लेटरिन बाथरूम आपका बन रहा है यहाँ पर, ये कॉमन लेटरिन बाथरूम हो जाएगा, और एक अंदर की तरफ आपका रूम हो जाएगा दोस्तों। इसके बगल में एक विंडो दी गई है, एक दरवाज़ा दिया गया है, तो ये ओटीएस में चला जाएगा आंगन में। ओके दोस्तों, तो एक रूम ये हो जाएगा, एक बाहरी ड्राइंग रूम है। उसके बाद इसमें आते हैं तो दोस्तों देखिए, एक रूम ये हो जाएगा आपका मास्टर रूम हो जाएगा आपका ये, इसमें एक विंडो, बड़ी विंडो दी जा रही है ऊपर से नीचे तक। उसके बाद यहाँ पर एक लेटरिन बाथरूम हो जाएगा आपका, अटैच लेटरिन बाथरूम रहेगा, काफ़ी स्पेशियस, काफ़ी बड़ा साइज़ दिया गया है। तो आपको दो रूम मिल रहे हैं, बड़ा रूम के साइजेस हैं, ठीक है। 1120 के करीब ज़मीन एरिया, 1360 बिल्डअप एरिया हो जाएगा दोस्तों। तो ये मकान है आपका, लोटस के अंदर है मकान, और अभी मकान लाइन से बन रहे हैं, तो अभी आप एक मकान हो सकता है जल्दी बुक हो जाएगा, आप लोग प्लान कर लीजिए अगर यहाँ लोटस में देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। बहुत बेहतरीन मकान है यहाँ पर, बड़ी चौड़ी चौड़ी रोडें हैं, तो आप लोग प्लान करिए।